हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम भारत इम्यूनोलॉजी कंपनी की डिटेल टेक्निकल फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में उन सभी स्टॉक की डिटेल टेक्निकल फंडामेंटल एनालिसिस बताता हूँ जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। तो चलते हैं, करते हैं एनालिसिस। जैसा कि आप यहाँ देखते हो, भारत इम्यूनोलॉजी कॉरपोरेशन लिमिटेड कंपनी की शेयर प्राइस 36.80 रुपये और एक दिन में ऑलमोस्ट 2.5% की तेजी हमें देखने को मिली। पिछले 5 दिन में 1.5% की गिरावट देखने को मिली। 1 महीनों में ऑलमोस्ट 9% की गिरावट देखने को मिली। 6 महीनों में 32% की गिरावट देखने को मिली। 1 साल में 25% की गिरावट। 5 सालों में 61% के पॉजिटिव रिटर्न और मैक्सिमम रिटर्न्स की बात करें तो 346% के पॉजिटिव रिटर्न दिए। इस स्टॉक्स में काफ़ी तेजी होने के बाद काफ़ी गिरावट हमें देखने को मिली है। तो चलते हैं चार्ट पैटर्न पर। तो जैसा कि हम यह चार्ट ओपन करते हैं तो आप यहां देख सकते हो, इस स्टॉक में कंटिन्यू गिरावट देखने को मिल रही है 1 डे के टाइम फ्रेम में। बट जब भी आप टाइम फ्रेम को बढ़ाते हो यानी लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम देखते हो तो आपको एक व्यू क्लियर होता है। यानी ऑल ओवर इसका जो पुराना रेजिस्टेंस हमें देखने को मिला था ये वाला, यानी इस रेजिस्टेंस को ये प्रॉपर ब्रेकआउट नहीं कर पाया, देन कंटिन्यू हमें गिरावट देखने को मिली। और नीचे सपोर्ट की हम बात करें तो ऑल ओवर ये स्टॉक अभी सपोर्ट पर ही आकर रुका है। यानी पिछला जो रेजिस्टेंस है वो यहाँ पर अब सपोर्ट बन चुका है। और ऊपर वाला अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हमें यहाँ पे 56-60 रुपये का देखने को मिला है। अगर ये स्टॉक ऑलमोस्ट 36-30 रुपये के लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो निचला सपोर्ट हमें ये देखने को मिल रहा है, ये 16 रुपये तक भी आ सकता है, क्योंकि काफ़ी टाइम से ये स्टॉक प्रॉपर सपोर्ट यहाँ पे लेते हुए देखने को मिला है। मंथली टाइम फ्रेम के बाद वीकली टाइम फ्रेम को देखना है। वीकली टाइम फ्रेम पे आप देखते हो कि जो हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाए प्रॉपर वर्क करते हुए देखने को मिले, जैसे कि गिरावट होने के बाद कंटिन्यूस यहाँ पर वही सपोर्ट लेकर कंटिन्यू तेजी हमें देखने को मिली और काफ़ी टाइम से ये गिरावट देखने को मिल रही है। ये अभी सपोर्ट ले रहा है तो अगर आप इसमें एंटर करना चाहते हो तो 38-40 रुपये के आपकी ये एंट्री बन सकती है। वापस ये स्टॉक पहला टारगेट 44 रुपये, देन ये 56 रुपये तक जा सकता है। बट अगर इस लेवल को ये ब्रेक डाउन करेगा तो स्टॉक में और मेजर गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। 38 रुपये पे एंट्री है, ऑलमोस्ट 34-33 रुपये का स्टॉप लॉस होगा। 5 रुपये का स्टॉप लॉस इस स्टॉक में हमें देखने को मिलेगा। वीकली टाइम फ्रेम के बाद हमें डेली टाइम फ्रेम को देखना है और डेली टाइम फ्रेम पे आप देखते हो तो स्टॉक में वही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमें बनते हुए देखने को मिले जो हमने मंथली वीकली टाइम फ्रेम पे ड्रॉ किए हैं। बट अगर आप यहाँ देखो तो इस स्टॉक में काफ़ी तेजी हो रही है, यानी अपर सर्किट लगने के बाद कंटिन्यू लोअर सर्किट हमें देखने को मिला है, जो कि काफ़ी ज़्यादा रिस्की होते हैं क्योंकि ये छोटे स्टॉक्स हैं, इनमें कंटिन्यू अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड होते हुए देखने को मिलता है। तो अब हम बात कर लेते हैं कंपनीज के फंडामेंटल्स पर। जैसा कि हम कंपनीज के फंडामेंटल्स को देखते हैं तो ये जो कंपनी है इम्यूनोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल से रिलेटेड वर्क कर रही है। अगर आप यहाँ कंपनी का मैन्युफैक्चर देख रहे हो तो ओरल पोलियो वैक्सीन, जिंक टैबलेट, ये सभी में कंपनी यहाँ पे काम कर रही है। BIP स्वीट्स टैबलेट्स यहाँ पे बना रही है। मार्केट कैपिटलाइजेशन 160 करोड़ का है। करंट प्राइस 36.80 रुपये, स्टॉक का लो 33 रुपये, स्टॉक हाई 94 रुपये, बुक वैल्यू 24.60 रुपये, डिविडेंड यील्ड 0.0, ROC नेगेटिव हमें देखने को मिला है जो कि कंपनीज के लिए काफ़ी रिस्की होता है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी हमें नेगेटिव देखने को मिला, फेस वैल्यू 10 रुपये की है। अगर हम बात करें यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस प्रॉफिट की तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस कंपनी को कंटिन्यूस लॉस हमें देखने को मिल रहा है। अगर आप यहाँ देखते हो तो काफ़ी टाइम से कंपनीज को काफ़ी लॉस हमें देखने को मिल रहा है, बट ये लॉस जो है धीरे धीरे रिकवर होते हुए देखने को मिला है। अगर हम यहाँ ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस जो लॉस है वो भी यहाँ पे काफ़ी बढ़ते हुए देखने को मिला, यानी कंटिन्यूस कंपनीज को लॉस देखने को मिल रहा है। यानी 9 करोड़ से अभी कंपनीज का जो लॉस है वो 14 करोड़ का है, यानी कंपनीज कंटिन्यूस घाटे में है। अगर हम बात करें यहाँ पर बैलेंस शीट की तो आप यहाँ देख सकते हो कंपनीज के जो रिजल्ट्स है वो भी काफ़ी नेगेटिव चल रहे थे, बट कंपनीज का जो अभी रिजल्ट्स है वो पॉजिटिव हमें देखने को मिला है 63 करोड़ का। बट कंपनीज का जो बोरोइंग्स है वो काफ़ी ज़्यादा है 77 करोड़ का, जो कि काफ़ी ज़्यादा रिस्की है। अगर हम यहाँ बात करें कंपनीज़ के प्रमोटर होल्डिंग की तो प्रमोटर्स के पास 59.25% के स्टेक्स है और पब्लिक के पास 40% के स्टेक्स है। यानी ऑल ओवर कंपनीज़ की बैलेंस शीट को अगर हम यहाँ देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा रिस्की हमें ये देखने को मिल रही है, क्योंकि कंपनीज़ के जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस और ईयर ऑन ईयर बेसिस जो प्रॉफिट्स हैं वो यहाँ पे लॉस देखने को मिल रहा है और जो लॉस है वो भी काफ़ी बढ़ते हुए देखने को मिला है। अगर हम यहाँ BSE पर कॉर्पोरेट एक्शंस को देखें तो कंपनी ने 2002 के बाद कोई भी डिविडेंड यहाँ पे नहीं दिया है। तो क्या इस शेयर्स को हमें खरीदना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए? जी दोस्तों, एज ए कंपनीज के फंडामेंटल्स को अगर हम यहाँ देखें तो कंपनीज काफ़ी ज़्यादा रिस्की देखने को मिल रही है। अगर आप इस कंपनीज में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हो तो आप बुरी तरह फंस सकते हो।
इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।